उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय टिहरी पहुंचे। सभी कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप नगर क्षेत्र के पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी द्वारा आयोजित डोबरा चांठी पुल के समीप भामेश्वर मंदिर में नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत किया। इस दौरान इन सभी नेताओं का डोबरा चांठी पुल पर स्थानीय कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत कर डोबरा चांठी पुल पर तिरंगा यात्रा निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। नागरिक अभिनंदन के दौरान पूर्व विधायक विक्रम नेगी ने पुल बनाने की अहम योगदान देने वाले पूर्व सीएम हरीश रावत, किशोर उपाध्याय सहित कई लोगों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने डोबरा चांठी पुल बनने पर खुशी जताई और प्रताप नगर की जनता को इसका श्रेय दिया। मैं यहाँ के सब विधायक मूल सिंह जी को याद करना चाहूँगा। उन्होंने मैं यहाँ दौरे पर आया था उस समय ये बात उठाई और नरेंद्र जी ने तत्काल इसको स्वीकार किया। फिर आधा अधूरा रह गया था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। विक्रम सिंह नेगी जी ने लोग जुटे, मांग उठी, तो हमने 150 करोड़ रुपया 178 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, जिसमें 28 करोड़ रुपया हमारे पास अवशेष था और 150 करोड़ रुपये की जरूरत। ये तय हुआ कि 50-50% पर 50% राज्य सरकार, 50% TSDC देगी, हम इसका निर्माण करें। कालांतर में TSDC ने पैसा देने से, भारत सरकार ने पैसा देने से मना कर दिया। फिर मैंने नाबार्ड से कर्ज ले करके ये पैसे की पूर्ति की और आज पुल बन सका है, तो उसका श्रेय यकीनन जो है यहाँ के दोनों जनप्रतिनिधियों और यहाँ की जागरूक जनता को जाता है और हम आप सबको बहुत बधाई देना चाहते हैं। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के पूर्व PCC चीफ किशोर उपाध्याय ने कहा, इस पुल को बनाने का श्रेय सुप्रीम कोर्ट और यहां की जनता को जाता है। अगर जाता है तो प्रताप नगर की जनता को जाता है। संजय भाई, और अगर हमारे साथ जिसमें ज्योत सिंह जी सी भी हैं, दर्शन रावत जी भी हैं, शांतिलाल भट्ट जी भी हैं, मैं हूँ, जब हमने ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा कि भाई ये तो काले पानी की स्थिति हो गई है, आप चाहे तो शॉर्टर को पढ़ लें, तीन पुल, डोबरा चांठी पुल, घुटी वाला पुल और 4400 वाला तीन पुल है, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किए कि भाई आप लोगों को काला पानी की सजा दे रही है। फूल सिंह जी जी ने उस समय नरेंद्र तिवारी जी से बात कर, फिर हमने इसमें 89 करोड़ रुपया जो है उसमें स्वीकृत दे, नहीं तो जो है TSDC केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है डर पैदा हो गया था। तो इसलिए जिन लोगों ने, मैं ये मानता हूँ कि विक्रम सिंह नेगी जी ने बाद में जब यहाँ सारा का सारा जो है ये ठेकेदार भाग गए, सब लोग भाग गए भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो उन्होंने हरीश रावत जी से मिल करके। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पुल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के लोगों और कांग्रेस सरकार का अहम योगदान रहा है। दरअसल पुल का अभी विधिवत उद्घाटन नहीं हो पाया, लेकिन इसके बनने को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। डोबरा चांठी पुल बनकर तैयार है और इसका उद्घाटन 8 नवंबर का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत द्वारा किया जाना है। पुल का श्रेय पाने के लिए दोनों पार्टियां जोर लगा रही है। टिहरी से सूर्य प्रकाश की रिपोर्ट।